हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं इधर से गंजी गंजी लग रही हूँ। हाँ आ रही हूँ। हाँ तो आज मैं बना रही व्लॉग। तो कल है होली। कल क्या है? होली कल नहीं है, परसों है छोटी वाली होली। तो मैं सोच रही थी इस बार लाइट नहीं आ रही, मैं सोच रही इस बार कुछ रेसिपीज ट्राई करूँगी और मुझे रिव्यू मिला है मेरे ब्लॉग्स का जो मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं मिलता है। तो मुझे सामने से मिला है कि मैं जितनी भी यानी डिशेस कह सकते हैं, मेरे सांस की चल रही है, जितने भी आइटम मैं बनाती हूँ वो सब टाइट हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब कुछ कुछ हो जाते हैं टाइट और मुझे ऐसा लगता है कि ट्राई करनी चाहिए। ट्राई करेंगे तभी तो पता चलेगा सॉफ्ट है टाइट है कैसे बनेगा। हर चीज़ मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ तो बिगड़ भी जाती है तो क्या बड़ी बात है। तो मैं सोच रही थी इस बार होली में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करूँगी, जैसे कि रसगुल्ले में सोच रही थी। एक बार हमने बनाए थे रसगुल्ले तो वो टाइट नहीं होते, सही टाइट थी उनकी, जो चाशनी सही नहीं बनी थी, अंदर तक पूरी तरह से नहीं पहुंची थी आइटम, क्योंकि हमने रसगुल्ले के अंदर ना वो भरा नहीं था। कुछ ऐसे बतासा डालते हैं, अभी कुछ भी स्टफिंग डालते हैं जिससे थोड़ी सी वो फ्लफी रहे अंदर से, तो वो स्किप कर दिया था। तो इस बार सोच रही थी मैं वो ट्राई करूँगी। और उसका क्या हुआ कि हमारे घर रसगुल्ले, हमारे यहाँ मतलब शादी थी तो वहाँ से बहुत सारे आ गए हैं तो मतलब ही नहीं है उसका तो। और मैं सोच रही थी कि मट्ठी बनाऊँगी, कोई मट्ठी चाट बनती है ना तो उसका भी एक रिजल्ट बताती हूँ। मतलब भगवान भी नहीं चाहता मैं कुछ बनाऊँ तो देखो इतनी सारी मट्ठियाँ आ चुकी जो मैं बनाने के बारे में सोच रही थी, पर इनमें ना सारे के सारे मसाले हैं तो मैं जो डालूंगी बनाने वाली हूँ उसमें हम सिर्फ वो डालेंगे क्या बोलते हैं नमक और अजवाइन, और वो तो मैं सोच रही हूँ कि अभी बना लूँगी, कोई बात नहीं ये भी है तो ये तो ख़राब होते ही नहीं है, पर टाइम तो चल जाएंगे। एक तो वो मैं सोच रही बनाने का, देखते हैं बन पाएगी या नहीं, मैं बस बता रही हूँ जो मैं अभी सोच रही हूँ। और सेकेंड मैं सोच रही हूँ कि पानी के पटाखे हम बनाएंगे हम, क्या मैं यही सोच रही हूँ। चंदन से मैंने बोला तो वो तो मना कर रही है, तो मैं देखना चाहती हूँ इस बार। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो डिश में चाह रही हूँ ना वो एकदम अच्छे से बन जाए। तो कल का ही टाइम है, परसों तो खैर है ही होली तो कल हम बनाएंगे सब। और आज मैंने व्लॉग क्यों स्टार्ट किया मुझे नहीं पता है, मैं क्या कुछ बनाऊँगी क्या कुछ कैप्चर करूँगी। तो अभी मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखाती हूँ, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी ना रसगुल्ले के बारे में। तो देखो यहाँ पर डिब्बा देखो, भरा हुआ डिब्बा रखा है तो रसगुल्ले बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, है ना। और शायद हाँ तो रसगुल्ले कोई मतलब नहीं है। अभी मेरे हो रहा है सिर में हल्का सा दर्द, नॉट टू मच। तो अभी मैं सोच रही हूँ चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं, तो चलिए चाय बना लेती हूँ मैं फटाफट। सो यहाँ मैंने किनवा को बॉईल होने के लिए रख दिया है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है सिर्फ वॉश किया है और इसमें मटर डाल के नमक डाल के इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने एक कटोरी किनवा लिया है और दो कटोरी इसमें पानी डाला है। इधर मेरी चाय बन रही है और तब तक मैं क्या करती हूँ सबको कट कर लेती हूँ क्योंकि हम किनवा में छौंक लगाएंगे। सो आज क्या हुआ है कि किनवा मैंने बनाने के लिए रखा, तो मैंने ऑनलाइन मैंने एक रेसिपी देखी थी जिसमें एक कटोरी किनवा में हमें डेढ़ कटोरी पानी डालना था और वो कर रहा तो मैंने हमारा किनवा अच्छे से बॉईल ही नहीं हुआ तो मैंने इसमें एक कटोरी पानी और ऐड कर दिया है। और मैं यहाँ प्याज कट कर रही हूँ तो आंसू आ रहे हैं। तो अभी हमारा किनवा बन रहा है जो कि मैं भाई के लिए बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और थोड़ा हेल्दी खाना है तो हम भी खा लेंगे। और चाय बना रही हूँ फिर उसके बाद सब कुछ करते हैं। आज होली भी है, आपको एडवांस में हैप्पी होली दोबारा। सो अभी हमारा किनवा हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो, बस इसका थोड़ा पानी है ये जल जाए उसके बाद हम इसमें छौंक लगाएंगे। सो अभी मैं अपने इस किनवा को एक बर्तन में निकाल लूँगी और इसी में मैं छौंक लगा दूँगी क्योंकि कढ़ाई आज घिरी हुई है क्योंकि घर आ जाए होली तो घर में पकवान बन रहे हैं। सो पैन हमारा गर्म हो चुका है और अभी इसमें मैं एक चम्मच घी डाल दूँगी। सो हमारा पैन गरम हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिया था घी। जैसे ही घी गरम हो जाए मैंने इसमें डाला है जीरा और जीरा डालने के बाद अभी हम डाल रहे हैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर मटर सब कुछ डाल सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा मटर मैंने पहले ही डाल दी थी तो इसमें मैंने टमाटर थोड़े थोड़े मसाले डाल के उसे एकदम अच्छे से करने के बाद अपने किनवा को ऐड कर दिया और हमारा किनवा हो गया रेडी। आप इसे सिंपल भी खा सकते हो और यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। होली के दिन मैं किनवा और चाय पी रही हूँ और अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि किनवा कैसा बना है। अच्छा बना है, खाने में अच्छा लग रहा है। वैसे हेल्दी चीज़ें खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। एक तो हमने इसमें थोड़ा छौंक लगा दिया जिस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी मैं आपको रूम की हालत। मियाँ होली पूजने के लिए थाली तैयार कर रही है, मैं उनको डिस्टर्ब कर रही हूँ यहाँ पे। मम्मी और क्या रखोगी हमें? बुरकला बुरा
चावल और हल्दी रख लिए हैं और अभी एक गड़वा पानी और मम्मी मम्मी और क्या अच्छा चून दे फिर कह रही है अब हंस के कह रही है भाई लड़ाई ना कर रही बता दो मम्मी बता दे सब सोचा है कि आंटी लड़े अच्छा बताओ कहाँ कहाँ तुम्हें बताओ कि बोल के जल्दी बता बोल के बताएगी अब मम्मी बोल के बता दे लेट हो रही तू जल्दी बता तो दिख रहा है हल्दी चून में सबकी मम्मी ऐसी लड़े हमारी लड़े ऐसी दीदी मैं केस कह रही है दीदी भाव साक्षी कह रही सब कह रहे हैं कि आंटी तो लड़ती रहे आंटी अपना सूट तो दिखा जा अब कुछ कहेंगे अभी बज चुके हैं 10:30 और इस बार जो होली है वो जल्दी पूज रही है तो हमने चारों तरफ अपने मतलब घर के साइड वाले सारे घरों में बता दिया है और अभी हम जाएंगे मंदिर अभी जाएंगे चंचल शाम को चंचल पोछा लगा रही है अच्छा लग रहा बहुत मम्मी वे और आ रही है वे भी आ रही है आ रही है और कुछ बुरकला ले गई भीतर को भाभी बबीता एक ही आएगी तो अभी खलबल सब भर दिया है और मम्मी आई तो मैंने टीका भी लगाया है देख सकते हैं यहाँ पे हल्दी का सभी को लगाया है तो अभी मैं नहा लेती हूँ और मंदिर शायद हम लोग शाम को जाएंगे शायद मेला लगेगा मंदिर पे अच्छा शाम को शायद मेला लगेगा तो हम शाम को जाएंगे मंदिर अभी मैं नहा लेती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ तो अभी मैंने नहा लिया है और चोटी भी बना ली है और मंदिर हमारा भी जाना कैंसिल हो गया हम लोग शाम को मंदिर जाएंगे और अभी मुझे जाना है पार्लर और पता नहीं मुझे अजीब सी लाइटिंग आ रही है मेरे ऊपर या जो भी अभी मुझे जाना है पार्लर क्योंकि हमारी थर्ड क्लास है जो सेकंड बेस्ट था उनके तो मैंने सोचा मैं भी ले लेती हूँ कि जहाँ से सीखने के लिए मिले सीखना चाहिए आप लोग भी सीखेगा और क्या बोलते हैं हाँ मैंने इस वाले सूट में इंस्टा पे एक रील डाली आप लोग देखना चाहते हो और देख लो मेरा सूट कुछ ऐसा है जैसा भी है तो मेरी इंस्टा आईडी है प्री कसाना आप लोग जाइए और वहाँ फॉलो कर लीजिए मुझे क्योंकि यहाँ की सारे अपडेट आपको वहाँ मुझसे मतलब इस टाइम से पहले मिल जाएंगी तो चलिए वहाँ चल के मिलते हैं मैं अपनी थ्योरिकल क्लास जो थी वो लेके आ चुकी हूँ और सूट मैंने चेंज कर दिया है और अभी खाना खाती हूँ मैं अभी अपनी प्लेट लगा के ले आई हूँ और अभी खाना खाते हैं अभी मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और इस वाले व्लॉग को मैं अभी एंड कर रही हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया और अभी हम लोग जाएंगे मंदिर तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखना मिलेगा क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है तो बहुत थोड़ी लंबी वीडियो जाएगी आई थिंक जिस वजह से ये लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं सोच रही हूँ उसे अलग पार्ट में डालूंगी पार्ट वन तो पार्ट टू डालेंगे होली का और फिर कल तो होली खेलेंगे उसका अलग व्लॉग आएगा तो चलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल वाले व्लॉग के लिए इससे अगले से अगले वाले व्लॉग के लिए क्योंकि वो तो बाद में ही आएगा तो चलिए अभी करते हैं बाय बाय चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा बाय बाय।